हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज ये बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड के बीच में जो आज ये फर्स्ट T20 का मैच खेला जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे और जानेंगे किस प्लेयर को हमको अपनी टीम में लेना है, किसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, टीम बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा पिच के बारे में और यहाँ पे दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वेन्यू की बात करें तो ये यहाँ पे जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम के वेन्यू पे ये मैच खेला जाएगा। तो इस वेन्यू की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 146 का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 129 का रहा है और यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट और सेकेंड में कोई खास अंतर है नहीं, दोनों ही इनिंग में लगभग बराबर बराबर मैचेस यहाँ पे टीम जीती हैं। तो ये है। अब दोस्तों, यहाँ पे मौसम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा क्लाउडी वेदर रहने वाला है, पर उम्मीद करते हैं यहाँ पे बारिश ना हो, पूरा मैच हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों, ये रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों, हम विकेट की बात करें, यहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा मिले या पेसर को, तो जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं उसमें यहाँ पे 59 विकेट पेसर को मिले हैं, 35 विकेट स्पिनर को मिले हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो इस वेन्यू पे स्पिनर और पेसर दोनों ही अच्छा करते हैं, तो आप लोग दोनों को ही अपने टीम में लेके चल सकते हैं। अब जो रिसेंट मैच खेलेगा इस वेन्यू पे, अगर हम उनकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। तो ये रिसेंट में अभी इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में ही मैच हुआ, इसमें यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 156 बनाए, जिसको यहाँ पे बांग्लादेश की टीम ने चेस भी किया यहाँ पे 158 बनाकर सिर्फ 18 ओवर में। तो ये रहा। उससे पहले यहाँ पे BPL के मैच खेले गए, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर बना है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर कोई बल्लेबाज यहाँ पे संभल के खेलता है तो अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। तो ये रहा। अब दोस्तों, हम लोग प्लेइंग 11 देख लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम की, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले हम लोग बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखेंगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे लेटेन दास, रॉनी तालुकदार ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नजमल हुसैन संतो आएंगे, शाकिब उल हसन है, टी हिरदोई हैं, ट्वेड हिरदोई हैं, उसके यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज हैं, तस्कीन अहमद हैं, नशूम अहमद हैं, मुस्ताफिजुर रहमान हैं, शौरफुल इस्लाम हैं, हसन महमूद हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। अब इनके अलावा दोस्तों, अगर इनमें से कोई और प्लेयर खेल जाता है तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें आयरलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहाँ पे आयरलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग, रॉस अडेयर ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉरकन टकर आपको दिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो इनके टीम के कैप्टन थे एंडी बेलब्रीन वो बाहर हो चुके हैं इस सीरीज से, तो उनकी जगह पे यहाँ पे कप्तानी पॉल स्टर्लिंग करेंगे, और मेरे हिसाब से अगर वो नहीं है तो यहाँ पे लॉरकन टकर को यहाँ पे वन डाउन बैटिंग करना चाहिए। तो जो भी इनका बैटिंग ऑर्डर होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। उसके बाद उसमें यहाँ पे हैरी टेक्टर आएंगे, कटीस कैम्फर हैं, जॉर्ज डॉकरेल हैं, गर्थ डिलानी हैं, मार्क अडेयर हैं, फ्योन हैंड हैं, क्रैग यंग हैं, ग्राम हमे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आयरलैंड की प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, इनके अलावा इनमें से कोई और प्लेयर खेल जाता है तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपनी टीम क्रिएट करने। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे लिटिन दास हैं, लॉरकन टकर हैं, जाकिर अली हैं। तो स्मॉल लीग के लिए दोस्तों बात करें तो यहाँ पे लिटिन दास तो मस्ट पिक रहेंगे, ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे और एक अच्छे बल्लेबाज हैं, तो लिटिन दास को तो लेके चलना ही चलना है। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला अभी कि लॉरकन टकर आपको वन डाउन पे देख सकते हैं, अगर लॉरकन टकर का बैटिंग ऑर्डर वन डाउन पे मेंशन हुआ और ये वन डाउन पे आते हैं तो फिर ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं प्लस विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो फिर ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पर अगर मुझे लगेगा ये वन डाउन पे मेंशन है, बैटिंग ऑर्डर इनका हम देखेंगे, वन डाउन पे अगर ये मेंशन है और मुझे लगेगा इनको अपनी टीम में लेना चाहिए तो फिर हम इनको भी लेके चलेंगे। जाकिर अली खेलते भी हैं तो मैं यहाँ पे ध्यान देने वाला नहीं हूँ और अभी चांसेस भी कम है, तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिटिन दास को ही लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग अपने टीम के सीनियर प्लेयर हैं और मस्ट पिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, T20 के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें जॉर्ज डॉकरेल, तो दोस्तों इनको भी आप लोग स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका बैटिंग ऑर्डर की बात करें
तो ये लगभग आपको 3 से 4 डाउन पे देखेंगे। और ये दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं एक ट्रंप प्लेयर के तौर पे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने अभी नहीं लिया, मैं यहाँ पे नजमल हुसैन संतो के साथ जाऊँगा जो आपको 1 डाउन पर देखेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टी हिरदोई T20 के काफ़ी अच्छे ये भी प्लेयर हैं और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इनको भी लेके चल सकते हो, एक अच्छे प्लेयर हैं। फिलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पे लिया है क्योंकि रिसेंट काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे रॉनी तालुकदार आपको ओपनिंग पे दिखेंगे और दोस्तों अच्छी हिटिंग करते हैं, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं बोलूँ तो आप लोग इनको जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की रहेंगे, पर दोस्तों ट्राइबल ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल इनको कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शमीम हुसैन पटवारी और यहाँ पे शमीम हुसैन पटवारी के तो चांसेस कम है, रॉस अडेयर खेल सकते हैं, आपको ओपनिंग पे दिखेंगे और ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं, तो ये भी जीएल के लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे, आप लोग इनको जीएल में ज़रूर ट्राई करना, तो ये जीएल के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे। हालांकि ओपनिंग पे हैं प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं, तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं और इन्होंने जो अभी 2 मैच खेले हैं T20 में उसमें भी ठीक ठाक किया है और डोमेस्टिक लेवल पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो अभी दोस्तों जीएल में ही करना क्योंकि स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके अलावा यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे साकिब अल हसन इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 डाउन पे आपको बैटिंग देंगे प्लस पूरे 4 ओवर की बॉलिंग देंगे, तो CVC के भी अच्छे ऑप्शन। उसके अलावा कटीस कैम्फर 2 डाउन पे आपको ये भी देखेंगे प्लस ये भी 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट है। हैरी ट्रैक्टर आपको लगभग दोस्तों बात करें सॉरी यहाँ पे दोस्तों कटीस कैम्फर आपको लगभग 3 राउंड पे देखेंगे, हैरी ट्रैक्टर यहाँ पे 2 डाउन पे देखेंगे, तो यहाँ पे हैरी ट्रैक्टर कटीस कैम्फर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे हैरी ट्रैक्टर बॉलिंग भी करा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे हैरी ट्रैक्टर को भी लिया। हालांकि रिसेंट इनका उतना अच्छा नहीं रहा है पर इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे इनको लिया है। उसके अलावा मेहंदी हसन मिराज ये भी दोस्तों अपने टीम के मेन प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हिटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे इन चारों को लिया है। जी डिलानी को दोस्तों जीएल में ज़रूर ट्राई करना, एक अच्छे प्लेयर हैं, ये भी आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं प्लस आपको लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिशाद हुसैन खेलते भी हैं तो मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ऑप्शन है, यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान जो अपने टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पर रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं रहा है। मार्क अडेयर की बात करें दोस्तों तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो मार्क अडेयर को तो हम लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा तस्कीन दोस्तों रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अपनी टीम के, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और 4 ओवर पूरे देंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा गिरहाम हमें रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा, अभी ODI सीरीज में काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं तो इनको भी आप लोग लेके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रैग यंग भी अब यहाँ पे आ गए हैं, ये भी एक विकेट टेकिंग बॉलर है और अपनी टीम से डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, तो अगर आयरलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर यहाँ पे हमें और यंग दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग किसी को भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पे अलग गया हूँ, मैंने यहाँ पे नसूम को लिया है क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन आपको मिलेंगे, काफ़ी क्या सारे के सारे राइट हैंडेड बैट्समैन ही हैं, तो मैंने यहाँ पे नसूम को लिया है क्योंकि ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और ये सामने वाली टीम के जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं तो उनको परेशान कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नसूम को लिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे नसूम की जगह पे किसी अदर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए नसूम के साथ ही हूँ। सौरफुल इस्लाम दोस्तों खेलने वाले हैं, एक अच्छे ऑप्शन है तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। हसन महमूद रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा, अपने लास्ट जो ODI मैच हुआ उसमें 5 विकेट लेके आ रहे हैं, तो ये भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल के लिए हम सबको नहीं ले सकते। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मेरे टीम में इनके लिए जगह नहीं बन पाई है। फियोन हैंड दोस्तों GL के लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे, ये आपको बॉलिंग भी करेंगे प्लस ये बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं रहेंगे, आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि GL में इनको ज़रूर ट्राई करना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें BY टीम मेयर और यहाँ पे M हेमफेयर की, तो ये लोग अभी खेलने वाले नहीं हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन तो सबके सेम ही रहने वाले हैं, यहाँ पे साकिब को ही मैं अपना कैप्टन करूँगा, सबके साकिब हैं तो सबके कैप्टन यही रहने वाले हैं। वाइस कैप्टनसी की बात करें
तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे हैरी टेक्टर का एक ऑप्शन रहेगा, मेहंदी हसन मिराज का एक ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे लिटिन दास जो कि आपको ओपनिंग पे देखेंगे प्लस विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके हैरी टेक्टर को ही अपना वीसी करूँगा। उसके अलावा आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो मैंने बता दी, यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज और लिटिन दास को भी आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों जो मेरी टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी साकिब को दी है, वाइस कैप्टनसी हैरी टेक्टर को किया है, आपके पास जो अदर ऑप्शन है मेहंदी हसन मिराज का एक ऑप्शन है, लिटिन दास का एक ऑप्शन है। तो ये चार अच्छे ऑप्शन रहेंगे सीबीसी के। तो अगर दोस्तों इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।